पत्ते, दोनों पत्ते में सर्व करते हैं। हाँ, ये कितने रुपए की एक प्लेट आती है? सर 20 रुपए का प्लेट रहता है। 20 रुपए का प्लेट रहता है आपका? हाँ। अच्छा, और एक मैंने पता किया कि मूवी में भी अपीयर हो चुके हैं। हाँ जी सर। तो पैकेट पैक करो, ये बिल डाल दो एक पैक करके। और हम लोग आ गए हैं सुबह सुबह पनवाड़ी पोहा सेंटर पे। ये काफ़ी फेमस पोहा है ग्वालियर का और कई मूवीज़ में भी अपीयर हो चुके हैं ये। तो एक बार ये बात करते हैं इनसे और यहाँ का पोहा बनवाते हैं, फेमस पोहा। तो हम लोग पनवाड़ी पोहे पे खड़े हुए हैं, एक बार भैया से बात कर लेते हैं। भैया कितने टाइम से अपन पोहे बना रहे हैं? सर ये हमें हो गए यहाँ पे 7 साल हो गए हैं। अच्छा। हाँ, और ये कितने क्वांटिटी का पोहा होगा यार, इतना ज़्यादा क्वांटिटी में आपने जो रख रखा है पोहा? सर ये 1000 प्लेट से लेके 1100 प्लेट के समथिंग बैठेंगे। 1100 प्लेट के समथिंग वन टाइम वन शॉट पोहा आप लोग सर्व करते हैं? हाँ, ये टोटल पोहा है। अच्छा। सुबह लगभग 700 प्लेट लगाते हैं, 300 प्लेट अभी मैंने आपके सामने पलटाया है और रखा हुआ है अभी। तो ये जैसे जैसे खाली होता जाएगा। और ये दोनों पत्ते में सर्व करते हैं? हाँ, ये कितने रुपए की एक प्लेट आती है? सर 20 रुपए का प्लेट रहता है। 20 रुपए का प्लेट रहता है आपका? अच्छा। और एक मैंने पता किया कि मूवी में भी अपीयर हो चुके हैं। हाँ जी सर। तो एक बार थोड़ा सा उसको बता दीजिए किसने किस मूवी में? तो सर लुका छुपी मूवीज में यही शूटिंग चल रही थी पास में। अच्छा। तो उनके लिए पोहा जाता था पार्सल होके। अच्छा अच्छा अच्छा। जो एक्ट्रेस वगैरह थे और जो तुम्हारे डायरेक्टर वगैरह थे, हाँ हाँ, उनके लिए जाता था। तो उन्होंने ले लिया शॉट, मूवीज में भी आया था हमारा, मूवी में भी आया था वो शॉट। अच्छा अच्छा। तो ये देख सकते हो आप यार, पोहे लगाने का स्टाइल भी अलग। दोने पत्ते में लगाते हैं लाइन से और फिर उसमें प्याज और जीरावन छिड़कते हैं अपना। ये नींबू डाल रहे हैं ऊपर से। अभी अपनी लोकेशन बता दीजिए एक बार। सर ये मेरा इंदरगंज चौक है ये। हाँ। चाचा जनरल स्टोर के नीचे खड़ा हुआ हूँ। अच्छा। किस ये सर नीचे ये गैस है। अच्छा। और इसके ऊपर ये पानी का सेटअप है। अच्छा, पानी के ऊपर? पानी के ऊपर ये रखा हुआ है, इसको हम बनाते हैं डायरेक्टली। बनाने के बाद जब तक ये गर्म नहीं होगा इसके फ्लेवर्स नहीं आएंगे। अच्छा। ये जो फ्लेवर रहते हैं ना गर्म मसाले के, खड़े गर्म मसाले के, जब तक पूरी तरह गर्म नहीं होगा ना जब तक टेस्ट ही नहीं आएगा। फिर भले ही बाद में ठंडा हो जाए, बाद में ठंडा होकर खाओगे तो अभी अच्छा लगेगा। पैकिंग जाती है दूर दूर तक, आगरा तक लोग लेके जाते हैं। तो एकदम गर्म रहता होगा, नीचे से उठाते होंगे? बिल्कुल सर, आप 200 बंदे लेके आओगे ना गरम गरम खिलाएंगे उनको, कोई बंदा ये नहीं कह पाएगा आप ठंडा पोहा है, बिल्कुल गरम खिलाएंगे। 80 रुपए का सेटअप लगा दो। 80 रुपए का पोहा पैक कर रहे हैं। हाँ, ये 80 रुपए का रहता है, जैसे इकट्ठा लेके जा रहा है कोई घर पे। कितना आधा किलो आता है, एक किलो आता है? कितना नहीं, इसमें ये 260 ग्राम से आप क्वांटिटी लगा सकते हो इसकी, पोहे पोहे की। इसके अलावा जो सारा सामान होता है ना, प्याज होता है, सेव होता है, मसाला होता है, वो अलग क्वांटिटी रहती है। सेव का पैकेट दिखाओ भाई साहब को। 60 रुपए का किलो। ये सेव का पैकेट एक प्लेट के साथ रहता है, एक मसाले का रहता है। ये 4 प्लेट है, 4 पैकेट जाएंगे इसके साथ। अच्छा। तो ये एक पैकेट लगभग 20-25 ग्राम का रहता है। अच्छा। तो ये सारी क्वांटिटी ऐड होती है, वो हाफ केजी के आसपास हो जाएगा। हाँ नहीं, ज्यादा हो जाएगा भैया। ये प्याज अलग से क्वांटिटी में नापी जाएगी ना, ये प्याज भी जा रही है 80 के साथ, ये प्याज भी जा रही है 80 के साथ। टोटल वजन जो हम 20 रुपए में देते हैं, 220 ग्राम रहता है वजन, और उसी के हिसाब से ये सारी क्वांटिटी जाती है। सब इन लोगों की मेहरबानी है साहब, चल रहा है, आप लोगों का सहयोग है कि काम करने में मन लगता है साहब। जब सेल होती है ना, काम करने में मन लगता है।